मैंने प्रश्न का उत्तर ही दिया है, उत्तर है चोटी, है ना? चोटी। सही जवाब। पंडित रामाकृष्ण, किंतु हमारे अंतिम तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो क्या है? जो दृष्टिहीन है, जो न बोल सकता है न सुन सकता है, परंतु सदैव सत्य कहता है। ये तो प्रश्न ही गलत है। जो बोल ही नहीं सकता वो सत्य कैसे कहेगा? पंडित रामकृष्णा, अब केवल इतना ही समय बचा है, प्रश्न का उत्तर दो। पंडित रामकृष्ण जवाब दीजिए, समय निकला जा रहा है। दर्पण, दर्पण। वो दर्पण है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, परंतु हमेशा सत्य बोलता है। पंडित रामकृष्णा अति उत्तम, आप सचमुच बहुत चतुर हैं। केवल अंतिम दो प्रश्न मोहिनी गई, दुर्भाग्य हमारे, पंडित रामकृष्ण सर्वनाश हो तेरा। यह अष्टम प्रश्न है, निश्चित ही सामान्य नहीं होगा। पंडित रामकृष्ण, और विजयनगर का सम्मान आपकी बुद्धि चातुर्य पर निर्भर है। अवश्य गुरुवर, अवश्य, हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण पर। धन्यवाद महाराज। यही तो हमारा दुर्भाग्य होगा। पंडित रामकृष्ण, आप इनमें से केवल एक पात्र को स्पर्श कर सकते हैं, और वो भी केवल एक बार, और इन पात्रों को इस क्रम में सजाना है कि एक भरे पात्र के पास एक खाली पात्र हो। ये तो आसान है, दूसरे पात्र को चौथे के स्थान पर रखो और चौथे पात्र को दूसरे के स्थान पर। ऐसे तो वो दोनों पात्रों को छू लेंगे ना। हाँ, ये प्रश्न तो पक्का गलत है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। We'll be right back.
अब आपके पास मात्र एक ही प्रश्न शेष है। पंडित रामकृष्ण, हमारा नौवा एवं अंतिम प्रश्न ये रहा, वो कौन सा प्राणी है जो प्रातःकाल चार पैरों से, दोपहर पश्चात दो पैरों से, संध्या काल में तीन पैरों से और रात्रि में बिना किसी पैर से चलता है? शांत हो जाइए सब, शांत रहो, चुप। पंडित रामकृष्ण उत्तर दीजिए। पंडित रामकृष्ण जवाब दीजिए। पंडित रामकृष्ण कुछ तो बोलिए। पंडित रामकृष्ण शीघ्र कीजिए। समय समाप्त हुआ महाराज, समय समाप्त हुआ। पंडित रामकृष्ण आप पराजित हो गए। पंडित रामकृष्ण, उत्तर है मनुष्य का जीवन दिन के पहर मनुष्य के जीवन को दर्शाते हैं। प्रातःकाल अर्थात बालवस्था, उस समय मनुष्य चार पैरों के बल चलता है अर्थात घुटनों के बल। दोपहर अर्थात युवावस्था, उस समय मनुष्य दो पैरों के बल चलता है। संध्या काल अर्थात वृद्धावस्था, उस समय मनुष्य तीन पैरों के बल चलता है अर्थात दो पैर और लाठी के सहारे। और रात्रि अर्थात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य को पैरों की आवश्यकता ही नहीं होती। अत्यंत खेद के साथ घोषणा करनी पड़ रही है कि पंडित रामकृष्ण पराजित हो गए। हे भगवान, ये पराजित कैसे हो गए? और विजयी हुई हैं मोहिनी देवी। तो अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि पंडित रामकृष्ण को मोहिनी देवी की दासता स्वीकार कर ली। महाराज श्री कृष्णदेव राय ने आप पर विश्वास किया और आप महाराज के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे, अपना दायित्व तो पूरा नहीं कर पाया। अब पंडित रामकृष्ण भी मोहिनी देवी के दास हो गए हैं, अब इन्हें भी मोहिनी देवी की पालकी उठानी होगी। महाराज, 41 दिवस व्यतीत होने पर भी पंडित रामकृष्ण नगर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण स्वयं नगर में और दरबार में नहीं आना चाहेंगे। और हाँ महाराज, हमें भी इन्हें विवश नहीं करना चाहिए कि अपने सलाहकार के पद पर बने रहें, और यही इनके स्वाभिमान के लिए उचित होगा। हमें इनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए महाराज, और नगर के बाहर कई कुटिया बनाकर इनके रहने का प्रबंध कर देना चाहिए। पंडित रामकृष्णा, हमारी और समस्त विजयनगर की सहानुभूति आपके साथ है। हमने इस विश्व के अनेक विद्वान पंडितों को परास्त किया है, किंतु हमें इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितनी पंडित रामकृष्ण को परास्त करके हुई। अब और आनंद आएगा जब आप हमारी पालकी उठाएंगे। हम आपको समुचित आदर भी देंगे, आपका ध्यान भी रखेंगे, और आपको हमारी पालकी को आगे से उठाने का अवसर देकर सम्मानित भी करेंगे, ताकि हमारे पैर आपके मुख के पास रहे और हमें परम आनंद की प्राप्ति हो। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, रहने दो अम्मा, नहीं, शांत हो जाओ। अच्छा, तो ये है हमारे चतुर विद्वान पंडित रामकृष्ण की माँ। हमने सुना है आपके सर पर हमेशा आपकी माँ का आशीष रहता है, किंतु हम थोड़े आश्चर्यचकित हैं ये सोचकर कि किस माँ का, काली माँ का या इस गूंगी माँ का। पंडित रामकृष्ण, आपको स्मरण करा दे कि आज से आप हमारे दास हैं और हम आपकी स्वामिनी। अभी भी खड़े हैं? आपको दिख नहीं रहा है कि ये थाल हम स्वयं पकड़कर खड़े हैं? उचित यही होगा कि आप ये थाल लेकर पालकी में जाकर रख दें।
केवल पंडित रामकृष्ण से नहीं अपितु तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? कहने का तात्पर्य यह है कि यह शास्त्रार्थ अभी समाप्त नहीं हुआ है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नियमा अनुसार पंडित रामकृष्ण पराजित हुए। नहीं गुरुवर, ये प्रतिस्पर्धा उचित नहीं है। प्रश्न पूछने का समान अवसर पंडित रामकृष्ण को भी मिलना चाहिए गुरुवर। किंतु महाराज, शास्त्रार्थ के नियम तो प्रारंभ में ही निर्धारित हुए थे। उसके अनुसार यदि पंडित रामकृष्ण उत्तर नहीं दे पाए तो वो पराजित होंगे और हम विजयी। नियम वही जो हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं मोहिनी देवी। महाराज, हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी कि आप एक महान राजा हैं, निष्पक्ष हैं। किंतु आज जब आपके ज्ञानी जैसे ही एक स्त्री से पराजित हो गए, आप भी पक्षपाती हो गए। हमें पक्षपाती कहने का दुस्साहस। मोहिनी देवी, हम आपके स्त्री होने का मान कर रहे हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की त्रुटि ना करें आप। कृष्णदेव राय अपने न्याय और धर्म के पालन हेतु प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्य के दक्षिण में 5 शक्तिशाली राज्य हैं और उत्तर में सुल्तान बाबर। परंतु आज तक हम अपने राज्य की सुरक्षा करने में सफल हुए हैं। उसका कारण यह नहीं कि हम वीर हैं, उसका कारण है हमारे प्रजा का आशीर्वाद, उनका सहयोग, वो विश्वास है जो हमारे समस्त सभासद, हमारे मंत्रीगण और हमारी प्रजा ने हम पर किया है। हमें पक्षपाती कहने का दुस्साहस, ये त्रुटि ना करें आप। हर प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रतियोगियों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ये भी एक प्रतिस्पर्धा है तो दोनों प्रतिस्पर्धियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये हमारा निर्णय है कि पंडित रामकृष्ण को भी प्रश्न पूछने का समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? सौंदर्य के साथ मन का सौंदर्य आवश्यक होता है मोहिनी देवी। सौंदर्य वो जिस पे कोई घमंड ना करके छोटों से स्नेह और बड़ों के प्रति आदर भाव रखे। आप हमसे आयु में बड़ी हैं। हमारे राज दरबार में आपका तिरस्कार हुआ है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम पंडित रामकृष्ण की पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं। पंडित रामकृष्ण मोहिनी देवी से प्रश्न पूछेंगे और मोहिनी देवी उन प्रश्नों के उत्तर देंगी। उसके पश्चात ये तय होगा कि विजयी कौन होगा।